हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे डिज्नी प्लस की अपकमिंग सीरीज गार्डन द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो पहला अपडेट है गार्डन द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल, तो उसका कोई अपडेट नहीं आया। इसका एक रूमर आया है जो कि है प्लॉट से रिलेटेड। इससे पहले भी मैं दो प्लॉट पे वीडियो बना चुका हूं जो कि है एंटमैन 3 से रिलेटेड और बना चुका हूं वकांडा फॉरएवर के ऊपर। तो दोनों ही वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि गार्डन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में आपको क्या स्पेशल देखने को मिलेगा। तो ये कोई मूवी नहीं है, ये अराउंड 40 से 50 मिनट का एक छोटा सा एपिसोड देखने को मिलेगा जिसमें कि गार्डियंस अपने एडवेंचर पे निकले होते हैं। अब इसका प्लॉट क्या है, तो प्लॉट आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। तो प्लॉट स्टार्ट होता है थॉर लव एंड थंडर के बाद ही, जब इन्हें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं नए गमोरा के और पूरी गार्डियंस टीम उनके पीछे लग जाती है, उन कोऑर्डिनेट्स के पीछे। बट तुरंत ही पीछे से आयशा का शिप आ जाता है। आयशा वही जो कि गार्डन द गैलेक्सी में उनकी दुश्मन बनी हुई है और अभी तक वो उनका पीछा कर रही है। और आयशा का शिप आता है, अटैक कर देता है गार्डियंस की शिप पर और तुरंत ही वहां पे टीम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें कि ग्रूट, रॉकेट और इन्हीं कर्लिन तो अलग चले जाते हैं और उसी के साथ ड्रैक्स, क्यूल और नेव्युला और उसी के साथ मेंटेंस अलग चली जाती है। अब क्यूल तो यहाँ पे गमुरा के लिए पागल हुआ होता है उसके प्यार में और वो चाहता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट्स मिले हैं तो वो उसके पीछे जाए। तो कोऑर्डिनेट्स जो मिले होते हैं वो अर्थ के बगल में मिले होते हैं, फिर भी वो अर्थ पर चक्कर लगाते हैं गमुरा को ढूंढते हुए। और वहाँ पर कोई उनके संग कोई उनको मतलब क्लू ऐसा मिलता है जो कि बहुत ही भयानक होता है, जी हाँ, जिसपे कि उसको पता चलता है कि कुछ बुरा तो होने वाला है अर्थ पर। फिर उसी के साथ यहाँ पे अगर बात करी जाए रॉकेट की और कैरलिन की, ग्रूट की, तो तुरंत ही इन्हीं शिप पर इन्हीं टेलीपोर्ट होके आता है पिप्दी ट्रॉल्स। जी हाँ, पिप्दी ट्रॉल्स वही कैरेक्टर है जो आपको इंटरल्स में देखने को मिला था, जो स्टार फॉक्स जो कि थैनोस का भाई था, ठीक है, वो तुरंत ही टेलीपोर्ट आके होके आता है और आयशा का मैसेज लेके आता है गार्डियंस के लिए कि तुम बच के रहना, आयशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और ईविल बन चुकी है सिर्फ तुम्हारा खून करने के लिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसका भाई आ रहा है एडम वॉरलॉक। तो रॉकेट यहाँ पे बहुत चीज़ों को हल्के में लेता है और फिर क्या कहते हैं, अब ये छोटा सा तो एपिसोड है तो पूरी चीज़ तो दिखाएंगे नहीं, और पिप्दी ट्रॉल तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाता है और पूरी टीम एक साथ इकट्ठी होती है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं अर्थ पर, जो कि उस स्पेस में भी होते हैं वो हल्का सा, और अर्थ से निकल के वो स्पेस में थोड़ा क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे इस प्लॉट में थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई पिप्दी ट्रॉल्स भी है, एडम वॉरलॉक भी है और यहाँ से ही हमें गार्डन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का भी पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा। तो मतलब ये एपिसोड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आई एम ग्रूट जो हाल ही में रिलीज हुई है उसको ना देखो ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मुझे खास नहीं लगी, बस उसका मुझे पहला एपिसोड ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इस प्लॉट में कितनी ज़्यादा सच्चाई दिख रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं सेट इमेजेस के बारे में, जो कि अपडेट नंबर 2 लोकी और इको के सेट इमेजेस। तो ये सेट इमेजेस बहुत ही ज्यादा कमाल की, जिसमें हमें मोबियस का, स्लेप का और लोकी का न्यू लुक देखने को मिला है और यहां पर दोबारा से हमें मैकडोनल्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि ये शायद रीशूट हो सकता है, प्रॉपर एक सीन नहीं हुआ होगा तो इसलिए रीशूट कर रहे होंगे, मुझे तो ये देख के ये लगता है। और बाकी इमेजेस देख के ये लग रहा है कि भाई तगड़ी प्लानिंग चल रही है और कैंग द ऑलरेडी विनर होने वाला है, क्योंकि इसका भी छोटा सा प्लॉट आया था। अगर आपको ये वाली भी वीडियो देखनी है तो आपको ये बटन पे मिल जाएगी। और इको की सेट इमेजेस की बात करी जाए तो किंग किंग दोबारा से भाई रिटर्न होने वाले हैं और किंग पिंग थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है और अपने आइकॉनिक व्हाइट वाले सूट में देखने को मिला, तो जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। बाकी देखते हैं कि ये सीरीज कैसी जाएगी। और आपको बता दूं ये हॉकाई की स्पिन ऑफ सीरीज है, यानी कि किंग पिंग काफी लोग सोच रहे थे कि उसकी आंखों पे गोलियां मार दी होंगी एको ने, बट ऐसा नहीं है, ये स्पिन ऑफ सीरीज है इसलिए उसकी आंखों पे कोई भी पट्टी वगैरह नहीं बन रही है। बाकी आने वाले टाइम में सीरीज देख के ही पता चलेगा। चलिए बात करते हैं हरग्रीव से रिलेटेड अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का अपडेट है। तो ये सीरीज को अनाउंस करने वाले हैं D23 में, यानी कि सितंबर के महीने में जब एनी डिज्नी एक्सपो होगा। और इस सीरीज का जो नाम है वो है राइज ऑफ द गॉड्स, और इसका ऑफिशियली लोगो तो रिलीज करा नहीं गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, पर इसका ऑफिशियली ट्रेडमार्क ले लिया गया था तो वहां से ये टाइटल पता चला है। बाकी देखते हैं कि D23 में क्या क्या अनाउंस हो सकता है। बाकी वंडर मैन भी इन्हीं D23 में ही अनाउंस होगी, तो देखते हैं और क्या क्या हमें अपडेट मिलते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना।